दोस्तों पिछले कुछ टाइम से बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही थी जहां पर आपने देखा होगा कि जंगकुक आर्मी के फेंके हुए रोजेस को पकड़ ले रहे थे। हालांकि दोस्तों जब बहुत बार ऐसा हो गया तो बहुत ही सारी आर्मीज ने BTS के लिए फ्लावर्स ले जाना उनके कॉन्सर्ट में स्टार्ट कर दिया। और रिसेंटली जो BTS का कॉन्सर्ट हुआ है लास वेगास में, उसमें काफ़ी सारी आर्मीज ने BTS के ऊपर फ्लावर्स फेंके और बहुत ही सारे फ्लावर्स और बुके को तो BTS के मेंबर्स ने पकड़ भी लिया। हालांकि दोस्तों इसको देखने के बाद कुछ आर्मीज ने तो काफ़ी इन्जॉय करा, लेकिन बहुत ही सारी आर्मीज BTS को लेकर टेंशन में आ गई थी क्योंकि खुद आर्मीज की वजह से BTS स्टेज पर सेफ नहीं है। तो दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत ही सारी क्लिप्स में फन के साथ साथ ये भी देखा गया कि किस तरह जो फ्लावर्स और बुके फेंके जा रहे थे उससे BTS के मेंबर्स को चोट लगने वाली थी, और अगर उन्हें ऐसी कोई भी चोट लगती तो वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता था क्योंकि सारे फ्लावर्स और बाकी सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फोर्स से BTS की तरफ आ रही थी। हालांकि दोस्तों इसीलिए रिसेंटली BTS जिस स्टेडियम में परफॉर्म कर रहे थे वहीं पर उनका जो लास्ट कॉन्सर्ट है उससे पहले एक अनाउंसमेंट आई जहां पर बताया गया कि अब कोई भी इस चीज़ को अलाउ नहीं करेगा कि स्टेज पर या फिर BTS की तरफ कोई भी चीज़ फेंकी जाए। क्योंकि दोस्तों कुछ दिन से देखा गया कि लगातार बहुत ही सारी आर्मीज BTS के ऊपर फ्लावर्स और बुके फेंक रही थी और कुछ टॉयज भी फेंक रही थी। हालांकि दोस्तों आर्मीज का इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन इस तरह से BTS के मेंबर्स को बहुत ही तेज चोट लग सकती है, जिसकी वजह से एक नया सिक्योरिटी रूल पास हुआ जहां पर आर्मीज कुछ भी BTS की तरफ नहीं फेंक सकती। दोस्तों इसके साथ साथ काफ़ी सारी वीडियोस भी वायरल हुई थी जहां पर देखा गया था कि किस तरह बुके आते आते BTS के मेंबर्स को बहुत ही ज़ोर से लगने वाला था। जैसे कि एक वीडियो में हमारे मिन युंगी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा बुके गिरने वाला था, वो तो अच्छा हुआ कि टाइम पर एकदम से वो साइड हो गए। दोस्तों यही नहीं बल्कि जिनको भी एक बहुत ही बुरी तरीके से फ्लावर लगने वाला था लेकिन जिन अचानक से साइड हो गए जिसकी वजह से उनको चोट नहीं लगी, जिसके बाद बहुत ही सारी आर्मीज काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हो गई थी क्योंकि जिन के हाथ में ऑलरेडी चोट लगी हुई है और ऐसे में अगर उनके मुंह पर चोट लग जाती तो उनके लिए बहुत ही बुरा होता। दोस्तों यही नहीं बल्कि एक और वीडियो देखी गई जहां पर जिमिन की आंखों के जस्ट बगल से एक बुके गिरा, जिसको देखने के बाद आर्मीज बहुत ही डर गई थी क्योंकि वो बुके जिमिन की आंखों पे भी लग सकता था और अगर वो जिमिन को लगता तो उनको बहुत ही तेज चोट लग जाती जिसकी वजह से उनको एक मेजर इंजरी भी हो सकती थी। तो दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आर्मीज बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गई और उनका मानना था कि फ़न तक तो ठीक है, लेकिन अगर ये चीज़ BTS को इतना ज़्यादा नुकसान दे रही है तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकती है। और ऐसे में काफ़ी सारे आर्मीज को समझना चाहिए कि यहाँ पर बात BTS की सेफ्टी की है। तो दोस्तों मुझे ज़रूर बताइए कि आपका इसके बारे में क्या कहना है, क्योंकि बहुत ही सारे आर्मीज का तो यही मानना है कि BTS की सेफ्टी के लिए आर्मीज को उनके ऊपर कुछ भी नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी जब वो एक कार पे स्टैंड कर रहे होते हैं या फिर खड़े होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है वहाँ से गिरने का या फिर चोट लगने का। ऐसे में अगर उनके ऊपर कोई कुछ फेंकेगा तो उनको बहुत ही जल्दी चोट लग सकती है। और दोस्तों जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।